खबर है मन की बात कार्यक्रम को लेकर, जिसको फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। बता दें कि पीएम मोदी के मन की बात का ये 95वां एपिसोड है और अपने इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में होने वाले G20 सम्मेलन का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से G20 सम्मेलन से जुड़ने की अपील की है। इसके अलावा स्वदेशी रॉकेट विक्रम एस के बारे में बताया और कहा कि युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। मन की बात में सबसे पहले बताएं तो पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के एक बुनकर भाई येलधी हरिप्रसाद गारू जी ने मुझे अपने हाथों से बुनकर G20 का लोगो भेजा है। उन्होंने बताया कि बुनाई का ये बेहतरीन हुनर उन्हें अपने पिता से मिला है और आज वे अपने पूरे जज्बे से इस काम में लगे हुए हैं। लोगो भेजने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट में खुद को कितना जुड़ा महसूस करता है ये कहा। आगे उन्होंने कहा कि ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा और कोलकाता के तुषार जगमोहन ने G20 को लेकर भारत के प्रो एक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की। इस दौरान पीएम ने देश के युवाओं से भी G20 समिट का हिस्सा बनने की अपील की। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया है। इस रॉकेट का नाम विक्रम एस है। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो उठा। पीएम मोदी ने इसके बारे में बताते हुए कहा, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लैस है। विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। पीएम ने इसके आगे कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। इसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।